फ्रेंड्स वेलकम बैक, आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। आज फिर हम एक इंटरव्यू करेंगे। आज हम एक हार्डवेयर स्टोर की इंटरव्यू करेंगे। वहां पर जाएंगे और जाकर मालूम करेंगे कि एक्वेरियम के जो ग्लासेस होते हैं उसके प्राइसेस क्या हैं, उस हिसाब से और कस्टम टैंक बनवाना चाहते हैं तो उसके प्राइसेस क्या हैं, क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सिलिकॉन गम कौन कौन से हैं और उसके प्राइसेस क्या हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हैं श्री गणेश मार्केटिंग में, जो प्लेवुड का और एक्वेरियम ग्लास का स्टोर है। यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ के एक्वेरियम ग्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप कस्टम टैंक बनवा सकते हैं आकर। तो हमारे साथ है राहुल। हाय राहुल, हाय हाउ आर यू? हेलो सर। हाय हाउ यू डूइंग? फाइन सर। तो ये राहुल हैं श्री मार्केटिंग एक्वेरियम, जो ग्लास के बारे में प्लेट में है। ये टुमकुर में अवेलेबल स्टोर है लोकेटेड, जो नियर टू बैंगलोर है। तो राहुल, हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। हाँ बोलिए सर। किस फिश लवर्स के लिए कि अगर हम टैंक बनवाना चाहे तो। अच्छा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि 5 mm का ग्लास कितना पड़ेगा पर फीट? सर 5 mm का आपको पड़ेगा अराउंड 45 rupees पर स्क्वायर फीट गिरेगा आपको। और 6 mm का? 6 mm का पड़ेगा 54। तो 6 mm का 54 rupees है। और तो 8 mm का कितना पड़ेगा? 8 mm का आपको पड़ेगा 85। तो 8 mm का 85 rupees है। और 12 mm का? 12 mm का 120। और 10 mm का आता है? 10 mm का आता तो है, लेकिन हम लोग स्टॉक में नहीं रखते। आपको होना है तो हम लोग मंगवा के देते हैं। तो 10 mm का स्टॉक नहीं रहता है क्योंकि हाँ। इसकी ज़्यादा सेल नहीं रहती है। हाँ, कोई तो रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसलिए 12 mm की है। तो 120 rupees पर फीट है। तो आप कस्टम टैंक उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपको कितना टैंक चाहिए, कितना बड़ा चाहिए। तो टैंक के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा ग्लास? सर वो तो आप आपका जो साइज रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। आप रेगुलर तो 1.5 बाद में 2.5 और 3 फीट का लेके जाते हैं। तो हम लोग 1.5 के लिए एक 5 mm का यूज़ करते हैं। तो कितना प्राइस पड़ेगा उसका? उसका करीबन आपको पड़ेगा 350। 350 rupees? हाँ। 1.5 feet का टैंक मेकिंग चार्ज। हाँ, मेकिंग। उसके लिए आपको ग्राइंडिंग करवाना है। हाँ, और तो मेकिंग चार्जेस वो सभी अलग रहता है। तो अगर कोई लेकर सिर्फ बंदा कोई ग्लास खरीद के तो खुद बनवा सकता है 350 rupees में? हाँ वो सर वो खुद बनवा नहीं सकता है। बनवा सकता है लेकिन उसको आइडिया रहना चाहिए वो। हाँ, कैसे अगर आइडिया है तो बना सकते हैं। हाँ बराबर है। तो इस हिसाब से 3 feet का 2.5 feet का टैंक कितना पड़ेगा? और 2.5 feet का आपको करीबन कुछ 550 rupees होएगा। 550 rupees 2.5 feet का टैंक जो है कस्टम टैंक आपको बन जाएगा। और 12 mm का बनवाना है तो 3 feet का? 12 mm का तो 3 feet उतना ज़रूरत नहीं है, 8 mm डालेंगे तो बस है। हाँ तो 8 feet का कितना पड़ेगा? हाँ तो उसको करीबन कुछ 950 rupees कुछ गिरेगा। तो 950 rupees पड़ेगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर 6 mm गिलास कितना गेज का आता है? हाँ सर 6 mm आपको बताता हूँ। ये रहा देखो, ये 6 mm गिलास। तो 6 mm गैस बहुत काफ़ी है एक्वेरियम टैंक के लिए। नहीं उसके बाजू वाला 5 mm है। हाँ। नहीं 12 mm होना, तो ये 12 mm ग्लास है। ये 12 mm तो बहुत हेवी, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ। नहीं ये रहा, ये 8 mm। हाँ 8 mm। हाँ तो 8 mm काफ़ी है। 4 feet टैंक बनवाना है या 6 feet या अबव 5 feet टैंक बनवाना है तो आप 8 mm का ग्लास यूज़ कर सकते हैं। कितना प्राइस है 8 mm का? सर 85 rupees पर स्क्वायर फीट। 85 rupees पर स्क्वायर फीट है। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करना है कि आपको कितना विड्थ चाहिए, कितना हाइट चाहिए, लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आप प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिलिकॉन जो गम यूज़ होता है वो कितने टाइप के आते हैं, कौन सा बेस्ट है? वो सिलिकॉन गम जो आता है तो उसमें हमारे पास दो वैरायटी है। तो आप सैंपल बता सकते हैं कौन कौन सा है? बताता हूँ। हम बात करेंगे आज सिलिकॉन गम के बारे में कि इसके प्राइसेस क्या है, इसमें कौन सा बेस्ट है और जो गन है सिलिकॉन के लिए इस्तेमाल होता है इसका प्राइस क्या है। तो राहुल बताइए इसके वैरायटी क्या है और इसके कौन सा बेस्ट है एक्वेरियम टैंक के लिए? सर ये हमारे पास 3 varieties है। एक जो सबसे कम वाला यूज होता है, ये सिर्फ हम लोग पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसका दाम रहेगा आपको 95 rupees पर बॉटल। ओके। ये तो पैकिंग के लिए यूज़ होता है, सिर्फ एक्वेरियम के लिए नहीं यूज होता है। एक्वेरियम के लिए आप यूज़ करेंगे ये कम वाला तो उसमें फिशेस पूरा मर जाएंगे। क्यों, क्या होता है इसे? इसमें जो ये जो फंगल रहता है ना, इसमें जो केमिकल यूज होता है तो इसमें फंगल, इसमें इन्फेक्शन होता है, स्प्रेड आउट होता है वो वाटर में। तो इसलिए ये अच्छा नहीं, बेहतर नहीं है सिलिकॉन टैंक के लिए। वैसा ही सेम थोड़ा इसमें अपडेट, ये भी थोड़ा कम रेंज का ही है लेकिन उसमें भी उतना R&D नहीं किया हुआ है कंपनी वाले ने। ये सिर्फ कोई पूछता है कम वाला हमको चाहिए तो इसके लिए हमने ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, वरना ये भी फिश टैंक के लिए अच्छा नहीं है। इसमें क्या होता है कि वो सेम एज दिस 95 rupees, इसमें भी सेम इन्फेक्शन ही होता है, फंगल इन्फेक्शन सेम ही होता है। ये जो सेंडकोबिन का हम लोग जो फिश टैंक के लिए यूज़ करते हैं, कितने प्राइस का होता है ये आपको पड़ेगा? कुछ 145। ओके। ये वाला, ये वाला जो सेंट गोबिन का हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमको ये कंपनी से सेटिस्फेक्शन हुआ है कि ये पूरा R&D पूरा किया हुआ है ये इस सिलिकॉन के लिए, वरना किसी कंपनी भी किसी के पास भी R&D सर्टिफिकेट नहीं है। जो यूज़ होता है इसमें, जो सिलिकॉन जो टैंक के लिए यूज़ होता है तो उसमें आप फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, उसमें मछलियाँ भी बचने का चांसेस रहता है।
तो ये कितने प्राइस का होता है? ये करीबन 320 रुपीस रहेगा। हाँ, तो 320 रुपीस बेस्ट है, थोड़ा रेट ज़्यादा देना पड़ेगा लेकिन फिशेस को हार्म नहीं होगा। तो गाइस आप अगर कम वाला खरीदना चाहते हैं तो इसे आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कम चीज़ खरीदने की वजह से फिशेस को प्रॉब्लम हो सकती है, फिशेस मर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्पेंड कीजिए ताकि आपकी फिशेस को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर है गन, सिलिकॉन गन, जो बड़ी टैंक हो तो ज़रूरी है लेने के लिए। तो इसका प्राइस क्या होता है? इसका प्राइस आपको गिरेगा सर 185। तो 185 रुपीस में ये आपको सिलिकॉन गम मिल जाएगा। इसमें कुछ अलग वैरायटी होती है ऐसे? हाँ, किसे जाता है, हेवी गेज का आता है ये, जब पतला गेज है ये बस उसके लिए काफ़ी है ये। हाँ, तो ये काफ़ी है, 180 रुपीस में आपको सिलिकॉन गम का जो गन है वो मिल जाएगा। आप लेकर आप कस्टम टैंक बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टाइप्स के ग्लासेस अवेलेबल हैं, आपको कस्टम टैंक भी यहाँ पर मिल जाएंगे। श्री गणेश मार्केटिंग करके है, टुमकुर में है ये स्टोर, जो नियर बैंगलोर है। अगर आप आउट ऑफ कर्नाटक जाना है तो आपको बता रहा हूँ कि नियर टू बैंगलोर है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनको बात कर सकते हैं, सिर्फ ग्लासेस रिलेटेड के लिए सर। गाइस तो दूसरा रिलेटेड के नहीं, बस ग्लास के बारे में आज कुछ जानना चाह सकते हैं कि अगर आपको कस्टम टैंक बनवाना है या किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर राहुल इंट्रोडक्शन के लिए। ओके बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।